काटा मारता काटा खालिस्तान हिंदुस्तान काटा उन्होंने मुद्दा चल रहा इधर अमृतपाल थाने चले फिरता गुरु ग्रंथ साहब जी वेले अकालिया का राज सिख सी सिख सगा मुख्यमंत्री नशा नशा करते लोग बाद कांग्रेस का राज आया अकालिया ने किया कांग्रेस ने राज किया अमृतपाल भेज के पंजाब नशे छुड़ाने शुरू कर दते पहला सेंटर नशा से लाउंदा सिखा दे थ्रू हुण जिहड़ा खालिस्तान मंग रहा है गुरु नानक दी बाणी दे हुक्म दे विच मंग रहा है बाहर मंग रहा है पुछो इन्हां नूं जिहड़ी खालिस्तान दी रौली पाउंदे आ नानक दी बाणी दे हुक्म च आ जां ब्राह्मण दी दित्ती होई सोचना मंग रहा है कदों कहा सी गुरु नानक ने कि देश दे टोटे करने तुसीं एक फर ध्यान करियो साडा खालिस्तान बन जावे ध्यान करियो मैं तुहानूं एक तरीका दसदा आपां खालिस्तान बना लईए अपने नाल भारत दीआं 20 सूबे आ जाण फर्ज कर लो भारत दे चलो 10 ही ला लो 10 सूबे आ जाण अपने नाल भारत दे ठीक है अपना खालिस्तान बन जावे जे कोई उस खालिस्तान नूं तोड़ दी कोशिश करे तुहानूं दुख होऊ जां नहीं होऊ मैं जो पुछ रहा जवाब दिओ जिहड़े ना जिहड़े धर्म दे ठेकेदार बणे मेरा सवाल है उहनां नूं जे तुहाडे खालिस्तान नूं कोई तोड़ दी कोशिश करे बणे नूं तुहानूं दुख होऊ जां नहीं होऊ तां जिहड़ा गुरु नानक ने अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बेगमपुरा लिखिया होया सतगुरु दास महाराज का बेगमपुरा लागू किया मनुखा के दिमाग के जे कोई उन्होंने तोड़ की कोशिश करे तो मैनू दुख हो कि नहीं हो एक बंदा दिखा दे अंदर खालिस्तान है कि स्थान खालिस्तान स्थान जिहड़ा सी हिंदुस्तान काटा फेर दिता काटा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने भारत 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 पब्बा भगतों की सोच गुरु ग्रंथ साहिब भगतों की सोच तो दूजे पासे भारत का नाम भगतों की पब्बे नाल काटा मारता काटा खालिस्तान हिंदुस्तान काटा अच्छा हुण की करदे आ जदों पंजाब की जवानी का निघाण करना हुंदा आ तां फिर उत्तों माड़ा सेंटर बटन रोड का चक दिओ मुद्दा किहड़ा उह इशारे करदा इत्थे सिर्फ गुरुद्वारे गोरखा ते बैठे हुए ब्राह्मण नूं उहनां नूं इशारा करदा चक दिओ हुण बस झंडे च डंडा पा के शुरू हो जांदे आ सानू सिखां दी रिहाई वास्ते जदोजहद करनी चाहीदी आ और सानू हक आ पर सेंटर सारा कुछ सेंटर करा रहा पंजाब दे विच एक खालिस्तान का मुद्दा उधरों साडा सिखां दी बंदी छोड़ जाने की कहना बंदी छोड़ा जिहड़े बंदी सिंह साडे उन्हां दा मुद्दा चल रहा इधर अमृतपाल थाने चले फिरदा गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किदा किदा सोचांगे आपां कित्थे जावांगे कि गुरु नानक दी बाणी दे मुताबिक है केवल सचियारा हुण सच्चे बणन दी कोशिश कर रहे हैं कौन सेंटर दे विच बैठा होया सचियारा होण दी कोशिश कर रहा कि पंजाब दे मुद्दे भड़का के रखो पंजाब दी नौजवानी सियाणी हो गई आ नवें दिमाग आ गए आ इन्हां लोकां ने साडी चाल समझ आणी आ तां इन्हां नूं भड़का के रखो पहला अच्छा मैनूं दसो नशे ते लाउण वाला कौन पंजाब दी नौजवानी नूं नशे ते लाउण वाला कौन नशे ते लाउण वाला कौन किते ब्राह्मण ने लाया किसी ने आके नशे ते पंजाब दी जवानी नूं जिस वेले अकालिया का राज सी सिख सगा मुख्यमंत्री नशा नशा करते लोग बाद कांग्रेस का राज आया अकालिया ने किया कांग्रेस ने राज किया हुण आम आदमी पार्टी ने किया कर रहा कि नहीं कर रहा अच्छा सिखिया सारे सिखिया नशे किन्हां दे बच्चों के लगे बच्चों के बच्चे नशे किन्हां दे बच्चे नशे कर रहे हैं अच्छा सेंटर ने सारा कुछ नशियां दे बच्चों नूं लुआ के बच्चों का बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके बच्चों नूं कनेडा दे विच धक्क के ते हुण की करना चाहते हो एक अमृतपाल नूं भेज के पंजाब दे नशे छुड़ाने शुरू कर दते एदा नशा छुट जाऊ नशे छुट जाऊ एदा छुट जाऊ हुक्म किहदा हुक्म है सेंटर का हुक्म है सेंटर का पहला सेंटर नशा ते लाउंदा सिखां दे थ्रू बाद सिखां दे थ्रू नशे छुड़ाउणा जांदा पता है हुण शराबी कबाबी होए आ अमृत छकाओ इन्हां नूं कुरबान हाथ च पड़ाओ पंजाब दा बेड़ा गर्क करो नहीं नहीं हो रहा तुहाडी अखां दे सामने हो रहा बोलण नूं तैयार नहीं आपां बस आपां नहीं बोलणा जिहड़ा मर्जी बोले असीं की लैणा जिहड़ी साडे नाल हो रही आ भरावो सुण लो ध्यान दे नाल
चाहे भाई ब्राह्मण भाईचारा चाहे हिंदू है चाहे चमार कोई भी भाईचारा इस पंजाब दे विच आ याद रख लियो तुहाडे सारयां नूं हो रही है क्योंकि तुहानूं तुहाडे ही पुत्रां दा तुहाडे धीआं दा तुहाडे तुहाडे पुरखियां दा वास्ता दित्ता होया है तुहानूं गुरु दी बाणी च हुण कौन करा रहा है राज भी सिखां दा रहा बच्चे भी पंजाब दे नौजवानी नशा दे विच रुल गई किहने लिआंदा नशा किते ब्राह्मण ने लिआंदा किहने लिआंदा अकालियां दी सरकार दे विच नशा है नहीं सी हाँ जी कांग्रेस सरकार में नशा है नहीं सी आम आदमी होना ही है दसो कि लिया सिखा ने लिया नशा कि नहीं लिया सिखा के बच्चे नशे दे लगे सिखा दे बचे बच्चे ही सिखा दे बच्चे ही छड के बाहर गए बाहर जाके नौकरियां कर लगे नहीं हो रहा अच्छा सारी जेड़ा जेड़ा सिस्टम है सारा क्रिएट जेड़े साडे बंदी सिंह अंदर अंदरिया बंदी सिंह ये किना दा राज सी उस वेले सिखा दा राज सी ना जदों ये कर्मकांड होए कांग्रेस कांग्रेस सेंटर च सी उस वेले पावर च सी ते पंजाब दे विच की सी किहनूं बेवकूफ बना रहे तुसी लोकी बेवकूफ आ हुण दुबारा फिर उही काम करन दे चक्कर च पए आ सेंटर वाले सेंटर दे नाल इहनां दी गंढ टप बहुत तकड़ी आ समझ आ रही है जी केवल सचियारा किदा सचियारे होना मैं नहीं कह रहा बाणी कह रही है ध्यान करियो बाणी किदा कह रही है गुरु साहब कहते मेरी संगत पोच इन्हां लोगों ने ब्राह्मण के नाल रल के सेंटर के नाल रल के पंजाब दे विच संगत नीवी की अपने घर तां भर लै कोठियां भर लईआं अपना हर एक चीज उच्चे तो उच्चा ब्राह्मण वांगू बन के बह गया मेरी संगत पोच बाणी कहती है सतगुरु रविदास महाराज शब्द है दूजा शब्द है गुरु ग्रंथ साहब विच मेरी संगत पोच अपने अंदर झाती मारो भाई जदों पंजाब दे बच्चे नशे ते लाया सरकार सिखां दी सी जां मोनियां दी सी वोटा कौन पाउंदे सी और पाउण वाला मोनियां जां वोटा पाउण वाला कौन सी सिख है जां हां जी ऐसियां दीआं वोटा कौन लैंदा जनरल चाचा जिथे कहूगा उत्थे वोट पावांगे ताया जिथे कहूगा उत्थे वोट पावांगे पंजाब दे नशियां ते लाउण वाला कौन ते हुण पंजाब दे नशियां नशे तो बचाउण वास्ते अमृत छकाउण वाला कौन जदों तुहाडे बच्चे अद्धे पागल हो गए नशे नाल उहनां नूं अमृत दी दात दे के थोड़ा बहुत गुरबाना आपां ही खड़का वड़का होऊगा ते सेंटर बड़ा खुश आ अगे साडे बंदी सिंह छड्ड नहीं रहा इह बच्चे होर अंदर जाणगे होर छड़ाउण ते लप्पांगे पंजाब इसे कम ते आ होर कोई कम नहीं पंजाब नूं नहीं कम कोई आपां नूं सोचियो पंजाबी थोड़ा जिहा जो सेंटर चाहुंदा आ पंजाब दे विच नशा आ जावे तां इह सिर ते पग्गां वाले सरकारां चलाउण वाले पंजाब दे विच नशा ले आउंदे आ जदों सेंटर चाहुंदा आ पंजाब दे विच लोकां दे धीआं पुत्तर एक बेंद बना के मारी जाण तां सिख ही लोकां दे धीआं पुत्तर मरवाउंदा नहीं मरवाउंदा सिख नहीं दाड़ी छड्डे कि नहीं इहनां दे मनिंदर सिंह दा दाड़ा हैगा भगवंत मान जी दा दाड़ा हैगा शायद चलो भगवंत मान बेचारे की कहना जिता शायद रोक जाएगा वो उन्होंने पता लग गया कि पंजाब ना की हो रहा शायद मैं शादी नहीं भरदा इन्हों की गरंटी नहीं लेता पर पता नहीं होंगे फिर भी अकाली दल के दाड़े है बादल साहब के दाड़ा है वे बादल के सुखबीर दे हैगा सिर ते पग्गां ने हैगी कि नहीं मैं नहीं कह रहा जो तुसीं कीता होया मैं तैनूं दस रहा हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल कि बस किदा सचारे होना हुण सोच रहे भी किदा बणीए भाई असीं तां राज करदे सी यार असीं तां नरक दे विच पै गए हुण सोचदे सचारे किदा होईए कदी गुरु ग्रंथ साहिब नूं आ कर दईए आ कर दईए फलन कुछ नहीं होना जैसे बीज ऐसे ही खाओ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖਿਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਬੇਫੂ ਨਹੀਂ ਬਣਗੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ थोड़ा दिमाग ते रखो अपने बंदी सिंघां नूं रिहा ना करना सेंटर कर रही है ध्यान करो दिमाग तेज रखो थोड़ा जिहा अच्छा जिहड़ी बंदी सिंघां दी रिहाई मंगदे ने पंजाब च ने
बंदी सिंघां नूं उन्हां दी सजा होण दे बावजूद देश दा कानून यह कह रहा कि उन्होंने रिहाई कर दिओ, रिहा कर दिओ, उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। की किया जा रहा? पंजाब दे विच उन्हां दे ही लोग पंजाब दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे मुताबक काम नहीं कर रहे। जदों सेंटर सरकार नूं लोड़ हुंदी आ कि पंजाब दे विच गदर मचाउणा, पंजाब दे विच लोकां दे धीआं पुत्तां नूं किद्दां टारगेट करना, तो सेंटर माड़ा जिहा बटन मरोड़दा आ ते इधर जिहड़े बंदी सिंघां दा मसला चक लैंदे आ। ध्यान करियो, मैं तुहानूं तरीका दस रहा पंजाब दे विच हो की रहा। अकाली दल ने राज किन्ना चिर कीता, कांग्रेस ने राज कीता, सिखी सी ना जिहड़ा जिहड़ा पंजाब दा मुख्यमंत्री सिखी सी, हुण पंजाब दा मुख्यमंत्री सिखिया, अकाली दल पंजाब दा मुख्यमंत्री सिख सी, बंदी सिंघां नूं रिहा क्यों नहीं कराया इन्होंने? क्यों नहीं कराया? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਮਰੋੜਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਰੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰੇਟ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੇਟ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ। ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਮਝੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਮਾਇਆ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਚਿਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਲੈ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੂੰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ।